इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारा जो पारंपरिक गागर होती है गांव की, हम उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, उसको मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इस गागर से पानी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल काम होता है। इसीलिए मैंने इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन किए हैं, कुछ सुधार किए हैं। और इसकी मैं पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैंने दिखाया लोहार की दुकान में किस प्रकार से इसको मैंने बंठे में छेद करवाया। और इस दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करें, रीअसेंबल कैसे करें। तो ये जो गागर है, आपको पता है जो कॉपर के बंठे होते हैं, इसके अंदर पानी पीना बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। कॉपर जो है बैक्टीरियाज को भी मारता है। और हम गढ़वाली लोग जो हैं, पहाड़ी लोग जो हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, सबके घरों में ऐसे बंठे पाए जाते हैं, ऐसे बंठे मिलते हैं, अवेलेबल है ऐसे बंठे। देखिए ये बंठे आपके सबके घरों में अवेलेबल होते हैं, ये बंठे, ये गागर। और अगर आप इसी गागर को अगर बाजार में लेने जाएंगे तो ये गागर कम से कम आपको 2,000 के आसपास की मिलेगी। और यदि आप कॉपर का जार लेने जाएंगे या डिस्पेंसर लेने जाएंगे, इसमें आप पानी भर के रख सकते हैं, 5 लीटर का या 10 लीटर का या 15 लीटर का, वो भी आपको 2,500-3,000 से नीचे नहीं मिलेगा। पर मैंने आपको बताया है कि जो हमारे गांव की जो गागर होती है, उसको कैसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं आप, किस प्रकार से उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दुकान में जाना है, एक अच्छे से लोहार को पकड़ना है। जैसे कि आप देहरादून में हैं तो देहरादून में जोगी वाला चौक में एक लोहार है, मुल्ला जी हैं, उनकी दुकान है। वो उनके जो बेटे हैं, उन्होंने आज वीडियो में, पहले वीडियो में देखा भी था आपने उनको, वो गागर में आपको छेद कर देंगे। और मेरी जो छेद की थी उसके लिए उन्होंने 200 रुपये बोला, तो मैंने कुछ रिक्वेस्ट की उनको, तो फिर उन्होंने 150 रुपये में छेद कर दिया मेरे उसमें। तो 150 रुपये छेद करने का लगा। और ये देखिए, टंकी का निप्पल है, इसे बोलते हैं टंकी निप्पल। आप किसी भी प्लम्बर की दुकान में जाएंगे, हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे, तो उनसे अगर आप बोलेंगे कि मुझे टंकी की निप्पल चाहिए, तो आपको टंकी निप्पल मिल जाएगी। और ये आपका एक सॉकेट है, आपको एक सॉकेट लेना है, ये 10 रुपये का आता है। और ये आपका टोटी है, टोटी टोटी ये 110 या 20 रुपये की मिल जाएगी आपको दिल्ली में, और भी देहरादून में 120 रुपये में अवेलेबल है। और ये स्टैंड है, ये मैंने 150 रुपये में लिया है जोगी वाला के पास ही। तो ये जो है टोटी, ये टूटी है, ये सॉकेट है, और ये निप्पल है, ये मुझे 190 रुपये का पड़ा, और 150 रुपये का मुझको ये पड़ा स्टैंड। और जो मेरा जो कारीगर ने मेरा पैसा लिया, वो भी मेरे से बहुत कम ही लिया, 150 रुपये। हालांकि वो 200 रुपये का काम था, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट की तो मुझे उन्होंने 150 रुपये में काम करके दे दिया। तो मेरा इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा, मेरा मात्र इसमें 190 वो और 150 वो, तो 340 रुपये तो मैंने पूरे ये जो लेके आया हूँ हार्डवेयर, और जो लेबर दिया है मैंने 150 रुपीज़ दिया है, तो मेरा लगभग 490 रुपये में सारा काम हो गया। और ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है, किसी के पास घर में हो तो इसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे लेबर कॉस्ट और कम होती है तो आपको वो भी कम लगेंगी। देखिए दोस्तों, मैंने अब इसको पूरा असेंबल कर दिया है, ये हमारे टोटी बन गई है, इसमें से आराम से आप पानी निकाल के पी सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से पानी भी आएगा, पानी भर के दिखाता हूँ मैं भी आपको इसमें। ये देखिए दोस्तों, पानी आने लग गया बंठे में, आप देख पा रहे हैं। जैसे कि अब इस टूटी को आप बंद कर सकते हैं, आपका बड्डा काम का है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए। मैं आपको नई नई टेक्नोलॉजी बताऊंगा और किस प्रकार से आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।